नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, रैपिड हेडलाइंस न्यूज। भारी मात्रा में गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पंचायत सदस्य ने निभाया अपना वादा, गरीब परिवार के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। अवैध साल की लकड़ी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी का मनाया गया जन्मदिन। गाँव के तालाब से दिखा विशाल काय मगरमच्छ, घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। भारी मात्रा में गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। एनजेपी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी थाने के भोला मोड़ इलाके से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सिलीगुड़ी के सूर्यसेन कॉलोनी निवासी मंटू सरकार के रूप में की गई है। उसके पास से 10 पैकेट गांजा बरामद किया गया। इसका वजन 111.400 किलोग्राम है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कल देर रात इलाके में छापेमारी की और एक चार पहिया वाहन को रोका। वहां से गांजा का पैकेट बरामद किया गया। वाहन को भी जब्त कर लिया गया। आरोपी को रविवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट भेजा जाएगा। पंचायत सदस्य ने निभाया अपना वादा, गरीब परिवार के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। जलपाईगुड़ी के कालियागंज के जोरा कदम इलाके के रहने वाले विकास चंद्र रॉय लंबे समय से बिस्तर पर हैं। उनकी पत्नी बकरी और गाय पालकर परिवार चलाती है। पिछले पंचायत चुनाव में वोट के लिए प्रचार करते समय तृणमूल उम्मीदवार ललित रहमान को पीड़ित परिवार की दुखद कहानी के बारे में पता चला। उन्होंने उनके साथ रहने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तृणमूल नेता कृष्ण दास और पूर्वी स्थानीय ग्राम पंचायत प्रमुख हेम्ब्रम की मदद से ये परिवार हर महीने 30 किलो चावल प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही कुछ आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है। दिन भर बिस्तर पर रहने वाले इस मरीज के लिए व्हीलचेयर भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा तृणमूल नेता कृष्ण दास ने कहा कि मरीज के इलाज के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। मरीज की पत्नी अदबी सरकार रॉय ने कहा कि हम बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। तृणमूल पंचायत सदस्य लतीफ रहमान ने कहा, मैं चुनाव के दौरान मदद करना चाहता था, लेकिन उस समय कुछ नहीं किया गया क्योंकि ये एक अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा होता। अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हम जिसे अपनी बात देते हैं उसे निभाने की कोशिश करते हैं, ऐसा दावा तृणमूल नेता कृष्णा दास ने किया। उनका कहना है, अगर हम किसी से वादा करते हैं तो उसे निभाने की कोशिश भी करते हैं। अवैध साल की लकड़ी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डाबग्राम रेंज के वन अधिकारियों ने सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड से सटे इलाके से अवैध साल की लकड़ी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सिलीगुड़ी के उदयन नगर निवासी आसिद दत्ता के रूप में की गई है। मालूम हो कि बीती रात एक साल की लकड़ी की तस्करी की सूचना मिलने के बाद वन कर्मियों ने इलाके में छापेमारी कर एक मालवाहक वाहन को रोका और वहां से 3 सलकथ ब्लॉक बरामद किया। वन विभाग के मुताबिक लकड़ी को एक जंगल से काटा गया था। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिलीगुड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी का मनाया गया जन्मदिन। भाजपा ने किया यज्ञ का आयोजन, बांटी गई मिठाई। शिव मंदिर 18 खाई भाजपा मंडल कमेटी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना के लिए बाजार क्षेत्र के शिव मंदिर में भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर रास्ते में सभी राहगीरों का मुंह मीठा कराया गया। आज इस कार्यक्रम में विधायक आनंद बर्मन, माटीघाड़ा पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष मानवेंद्र सिन्हा, 18 खाई मंडल अध्यक्ष सुभाष घोष समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। गांव के तालाब से दिखा विशाल काय मगरमच्छ, घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। सुंदरवन के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को अपना जीवन जीने के लिए लगातार बाघों और मगरमच्छों से लड़ना पड़ता है। सुंदरवन द्वीप क्षेत्र के लोगों के मन में पानी में मगरमच्छ और जंगल में बाघ का डर हमेशा बना रहता है। सुंदरवन के दूर दराज के द्वीप क्षेत्रों में प्रवेश द्वारों में अक्सर विशाल काय मगरमच्छ देखे जाते हैं। दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा ब्लॉक के वन श्याम नगर इलाके में शनिवार दोपहर को ग्रामीणों को एक तालाब में मगरमच्छ मिला। इसके बाद पूरे इलाके में मगरमच्छों का खौफ फैल गया। गांव के लोगों ने बचाव के लिए वन विभाग को सूचना दी। खबर पाकर रामगंगा रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन कर्मी रात में विशालकाय मगरमच्छ को किनारे तक ला सके। मगरमच्छों और इंसानों की लड़ाई देखने के लिए कई घंटों तक हजारों लोग तालाब के किनारे जमा रहे। वन विभाग के मुताबिक मगरमच्छ की लंबाई करीब 15 फीट और वजन 300 किलो है। रेस्क्यू के बाद वनकर्मी मगरमच्छ को प्राथमिक उपचार के लिए पाथर प्रतिमा के
भगतपुर मगरमच्छ परियोजना ले गए। दक्षिण 24 परगना वन विभाग के अधिकारी मिलन कांति मंडल ने बताया कि पाथर प्रतिमा के रामगंगा रेंज के बलश्याम नगर में ग्रामीणों को एक गृह स्वामी के घर में मगरमच्छ मिला। तभी आनन फानन में ग्रामीणों ने सूचना दी। खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी बिना समय गवाए मौके पर पहुंच गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार मगरमच्छ को बचा लिया गया। भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना से मगरमच्छ किसी तरह मोहल्ले में घुसाया। इसके अलावा पर्यावरण के संतुलन की रक्षा के लिए कभी कभी वन विभाग द्वारा मगरमच्छों को सुंदरवन की विभिन्न नदियों और नहरों में छोड़ दिया जाता है। हाल ही में अमावस्या के कारण सुंदरवन की विभिन्न नदियों में बाढ़ आ गई थी। इसीलिए प्रारंभिक धारणा यह है कि पानी में उछाल के कारण मगरमच्छ इलाके में प्रवेश कर गया। वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मगरमच्छ को सुरक्षित बचाया। प्राथमिक उपचार के लिए उसे भगतपुर मगरमच्छ परियोजना ले जाया गया। पूरी तरह ठीक होने के बाद मगरमच्छ को वापस सुंदरवन नदी में छोड़ दिया जाएगा।